बहन, यहाँ काम करके कोई फायदा नहीं, हमारी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट कब है? अगले महीने 26 तारीख को। पास हो जाओगी? हाँ, पास हो जाऊंगी। ओ सावित्री, तुम्हारी बेटी भी 12वीं में ना पास हो जाएगी? कैसे पास होगी, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, दिन भर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रहती है। खेतों में काम करने वाली सीधे मैदान में क्रिकेट खेलने पहुँच गयी। हाँ, तुम्हारी बेटी के तो सपने ही बहुत ऊंचे हैं। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो बैट बॉल को हाथ लगाने से पहले मैं उसके हाथ पांव तोड़ देती, या फिर मैं उसकी शादी करवा देती। सावित्री बहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, तुम्हें तो अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। कल तक वो औरतें जो पीठ पीछे भी मेरे बारे में बात नहीं करती थी, आज उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मुझे ताने मारती हैं। मेरा पति इस गांव में राजा की तरह घूमता था, पर तेरे क्रिकेट की वजह से अपने ही गांव के लोगों से इन्हें आज मुंह छिपाना पड़ रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस मनहूस क्रिकेट की वजह से हो रहा है ना? हा? जो लोग कहते थे कौशी बहुत अच्छा खेलती है, वो आज तेरी वकालत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन यही होगा, इसी बात का मुझे डर था। उस दिन तो बढ़िया करके बोल रही थी, मैं कोचिंग क्लास जाऊंगी, सबसे अच्छा खेल कर दिखाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी मनहूस लड़की बनकर लौटेगी इस घर में। सुन रही, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि मुझे मुफ्त में पूरा देश घूमना है? अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए जिद पालनी होगी। तुम्हारी जिद को देख कर उस चीज के लिए तुम्हारी ये दीवानगी सबको समझ आनी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, मुझे नहीं पता, बस हम दोनों को तुम्हें भारत दर्शन करवाने हैं, ये समझ लो। अगर तुम कामयाब होकर वापस घर नहीं लौटी तो दोनों टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी। अभी तक यहीं बैठे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बाबा, 12th के एग्जाम में फेल हो गई हूँ मैं। देखो, ये पास और फेल का चक्कर उनके लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कुछ बनना चाहते हैं। जाओ जाकर खेलो। चाचा जी, ये आज बहुत तमाशा कर रही है। आइए ना, हम लोग खेलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो खेलते हैं, पर एक शर्त पर। क्या हुआ? अगर मेरी बेटी बॉलिंग करेगी तो ही।